मजमून फिजिक्स क्लास नाओ बाब ट्यों सबक नाओ मरकज माइल कुवत सेंट्रीपिटल फोर्स। अस्सलाम वालेकुम प्यारा बारो, सिंध आला स्कूल में भलीकार मां आया सनावला महर। अज जो अस टॉपिक है, अज के लेक्चर में जो शूं अस पढ़ासी उ ही आन अंडरस्टैंडिंग सर्कुलर मोशन यानी गोलई वाली हरकत के समझण, उन सेंट्रीपिटल फोर्स यानी मरकज माइल कुवत। सब का पैर अस गोलाई वाली हरकत के समझू था। सो अगर जैसे तवा याद हों तो तवा के पोई लेक्चर में एक सवाल किया हुम उन चुम तो असा सर्कुलर मोशन समझासी तो उन सवाल जो जवाब मिली वो। सो सवाल यो हो जो एक्सलेशन होंगी कें बॉडी में सर्किल में जैसे सर्किल में का बॉडी मूव थी करें तो उनमें जो एक्सलेशन पैदा थी तो उन डायरेक्शन कड़ी होंगी। सो अज अस इन सवाल जो भी जवाब दींदी अस जो उन शू भी पढ़ासी। सो सब का पैं अस हाँ समझू था अंडरस्टैंडिंग सर्कुलर मोशन। सो मिसाल के तौर से ये ऑब्जेक्ट है जो ही मास है जो इन रस्सी से बधल है इतने, ठीक है, रस्सी वह इन सर्किल के सेंटर में है। सो इन ही जो मास वो इन सर्किल में मूव तो करे, ठीक है, हिन्न सर्किल सर्कुलर पाथ में ही मास जो रस्सी की मदद से रिवॉल्व करे तो, ठीक है। सो हाँ इन ही जो मास यो रिवॉल्व छाजे करे तो करे छो तो इन मास से इन रस्सी के जरिए लगे तो फोर्स, ठीक है। सो जवाब में ही मास जो रिवॉल्व करे तो इन सर्कुलर पाथ में। सो मिसाल के तौर से जैसे इन रस्सी के मां कटियां या कें सबब के करे ये रस्सी टुटी पे तो इन मास की सर्कुलर मोशन में छा थींदो, उनखां पोइ ही मास मूव कंदो इन स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो जैसे रस्सी टुटंदी तो अस चई सकूं था तो इन मास के ये रस्सी इन सर्कुलर पाथ में जो तो झलियों वेठी हुई ए सर्किल पाथ में पिण मूव कराए रही हुई तो अस चई सकूं था तो ये जो रस्सी आ इन के जरिए ही हि जो ऑब्जेक्ट हो सर्किल पाथ में मूव करे पो तो अस लिखासी अस लिखी सी तो स्ट्रिंग कंपेल्स मास टू मूव इन सर्कुलर पाथ, यानी इन रस्सी के जरिए ये रस्सी हुई जो मास के इन सर्किल में जो तो मूव कराए पी इन सर्कुलर पाथ में उनके मोशन दियारे पी, ठीक है। ये रस्सी जो मास के फोर्स एग्जर्ट करे पी तो उन डायरेक्शन उन सर्किल के सेंटर के तरफ होंगी है, ठीक है। जैसे तुम दिसद तो ये ऑब्जेक्ट जो रिवॉल्व करे तो इन सर्कुलर पाथ में रस्सी से लगंदड़ जोर के करे जो इन ऑब्जेक्ट से सर्किल के सेंटर के तरफ फोर्स लगे तो अस चई सकूं था तो अड़ो फोर्स जो कें ऑब्जेक्ट के कें सर्किल में मूव कराए, ठीक है, अड़ो फोर्स जो कें ऑब्जेक्ट के कें सर्किल में मूव कराए तंके असी इन तरीके से लिखासी तो उनके चई सकूं था अस द फोर्स विच कंपेल्स एन ऑब्जेक्ट टू मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ, मान अड़ो फोर्स जो कें ऑब्जेक्ट के जो कें सर्किल पाथ में मूव कराए अड़े किस्म के फोर्स के असा चवंदा हूं सेंट्रीपिटल फोर्स यानी मरकज माइल कुवत, ठीक है। तो हाँ असा यह खबर पेजी वही तो मरकज माइल कुवत छी उनके अंग्रेजी में चब सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सो सेंट्रीपिटल फोर्स अड़ो फोर्स हों जो कें ऑब्जेक्ट के कें सर्किल में मूव कराए, ठीक है, कें सर्किल में कें ऑब्जेक्ट के मूव कराए इन किस्म के फोर्स के असा चवंदा हूं सेंट्रीपिटल फोर्स। सो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिखने के तरीके कार ये हों तो अस उनके लिखा एफ सी से सी मतलब सेंट्रीपिटल एफ मीन्स फोर्स। सो एफ सी मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स के सेंटर सीकिंग फोर्स भी चाहता है, ठीक है। सो अगर जो दिखो वे अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। हाँ हाँ इतने एफ इज इक्वल टू एम ए है जैसे तो टोटल फोर्स अप्लाई थे कें मास से उनमें एक्सलेशन पैदा थे, ठीक है। सो इन समझे तो मास जो है वो मूव तो करे, ठीक है, वो सर्किल में तो मूव करे यो सर्किल में मूव छाजे करे तो करे ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। या अस ये चई सकूं था तो कोई भी जिसम एक्सलरेट करे कें सर्कुलर पाथ में, ठीक है, ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स तो असि उनके चवंदा आऊं छा उनके अस इन तरीके से लिखासी तो एक्सलेशन प्रोड्यूसिस इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स That is called centripetal acceleration. यानी
कई सर्कल में जेका एक्सेलरेशन पैदा थे कई ऑब्जेक्ट में ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के असा लिखंदा हूं ए सी सा, सी मींस सेंट्रीपिटल, ए मींस एक्सेलरेशन। ठीक है प्यारा बारो, सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो जो फार्मूलो होंदो आ वो होंदो आ असवट ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन रेडियस। ठीक है, सो एडे नमूने सा हाने जेकने असा न्यूटन जे सेकंड लॉ जी तरफ हलूं त उते असा केडी नमूने सा लिखंदासी, सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन जे सेकंड लॉ मुताबिक असा इते मास असा सेम रहयो एक्सेलरेशन जेका असा टुआ केडी आ असा अटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो असा फार्मूलो ऑलरेडी पढ़यो से त वी स्क्वायर अपॉन आर आ, सो इते असा छा कयो से इन एक्सेलरेशन जी जगह ते असा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रखी से, सो असा वटे जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो फार्मूलो ठही वियो वो ठही वियो वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, सो एकड़े बी पॉइंट ता के मा बताइंदो हला त जेका असा ट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हुंदी आ या सेंट्रीपिटल फोर्स हुंदो आ उन बिन ही जी डायरेक्शन जेका हुंदी आ उआ सेंटर ऑफ द सर्किल हुंदी आ। इया गल ता ज़हन नशीन करे छियो प्यारा बारो त सर्किल में जरे भी को ऑब्जेक्ट मूव कंदो त उन में जेको पैदा थिंदो सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स जे लगण जे करे जेका एक्सेलरेशन पैदा थे यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उन बिन्ही जी डायरेक्शन जेका हुंदी उआ टुवर्ड द सेंटर हुंदी। ठीक आ, त हाणे असां खे प्रीवियस लेक्चर जे सवाल जो जवाब भी मिली वियो त जेकॾहिं कोई भी ऑब्जेक्ट कंहिं सर्कल में मूव थो करे त उन में जेका उन जी एक्सेलरेशन पैदा थी थिए त उन जी डायरेक्शन कारे हूंदी उहा हूंदी उन जे सेंटर जे तरफ़। ठीकु आहे प्यारा ॿारो, त तव्हांखे इन्हनि शयुनि जी क्लियर थी वई ऐं असां अंडरस्टैंड कयोसीं त सर्कुलर मोशन छा हुयो। ठीकु आहे, सो अहिड़े नमूने सां सो जेकॾहिं हिकिड़ी मां बोनस टिप तव्हांखे ॾींदो हलां, ॾिसो त असां वटि जेको फोर्स आहे उहा एम ए ऐं उन खां बाद में ॿियो असां वटि जेको फोर्स आहे उनजो फार्मूला मास v स्क्वायर m v स्क्वायर अपॉन r। ठीक आ, सो असा वट जो f इज इक्वल टू m या वो छ है वो असा वट लीनियर फोर्स याने कोई भी ऑब्जेक्ट जे करे मूव करे तो लीनियर पाथ में। ठीक आ, उन ते उन मास ते लगंदर जो को फोर्स आ वो फोर्स जका है वो लीनियर एक्सेलरेशन तो पैदा करे। ठीक आ, स मतलब ही जो को फोर्स आ वो केड़ो असा जो लीनियर फोर्स आ उन बाद में ही जो सेकंड असा वट सेंट्रीपिटल फोर्स वो चाहे मास जो वो मूव तो करे कहीं सर्किल में उन ते जो को फोर्स तो लगे वो असो सेंट्रीपिटल फोर्स उन फोर्स जे करे जेका एक्सेलरेशन पैदा थी थी वो असो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, सो अगर जो पॉइंट में दसूँ असा तो इतने इन ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी चेंज थी थे। ठीक है, तो अस ची सूँ था अस पढ़ो हुए प्रीवियस लेक्चर में तो जैसे कें ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज थी तो उनमें एक्सेलरेशन पैदा थी या उन जो मैग्नीट्यूड जैसे चेंज थी तदें भी उनमें उनकी एक्सेलरेशन पैदा थी। सो अड़े नमूने से असि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में छा है एक तो उनकी डायरेक्शन चेंज थी थे बो उन जो डिस्टेंस आो भी अस इतने काउंट कदी तो वो सर्कल पाथ में जो मूव तो करे उन सर्कल जो रेडियस कड़ो आ। ठीक है, सो रेडियस भी इतने इंपॉर्टेंट शीक है प्यारा बारो, सो अगर जो तक सवाल पछा क्या तो इन का पैर अस पढ़ोसी तो हिजो ऑब्जेक्ट जन रस्सी में टुटे तो वो हिं मूव कर वो वो सीधी लाइन में मूव करें दो। भला ये तुम मुख्य यो बुधा तो ऑब्जेक्ट टुटने का इन सीधी लाइन में मूव छो तो करें वो इन ही सर्कल में छो न तो मूव करें। ठीक है, सो इन जो जवाब यो इन ही ऑब्जेक्ट से एकड़ो बे किस्म जो फोर्स भी लगन जैके अस डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ासी सो इतने तक ओवरव्यू दई तो वहाँ। ठीक है, सो इन जो बो फोर्स लगन जैसे अस चाह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हों वो असो सेंट्रीपिटल फोर्स वागू हों पर उनकी डायरेक्शन अपोजिट होंगी तो उन अस नेक्स्ट लेक्चर में मिसाल भी अंडरस्टैंड कंदी सो इन जे करे ही यो ऑब्जेक्ट जो हिं सीधो मूव कर। ठीक है प्यारा बारो, तो मुझे उम्मीद है तो ती लेक्चर भी सही नमूने से समझ में आया हों सही नमूने से अंडरस्टैंड भी कियों त सर्कुलर मोशन है उन सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है प्यारा बारो, आई होप कि तक ये गाल समझ में अची वो इनशाला नेक्स्ट लेक्चर में अस नेक्स्ट टॉपिक से गुड मिली तेस हाफिज़।